बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर लियाकत, एमफिल सब्जेक्ट फिजिक्स, न्यू बीकानोर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरफवाला। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से है, तो बात सुनिएगा जरा। प्रीफिक्सेस, व्हाट आर द प्रीफिक्सेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपने इसको शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग दोनों वालों से कंसीडर करना होता है। व्हाट आर द प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स एंड स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स आर सम मल्टीपल्स ऑफ दैट यूनिट इज नोन एज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपके पास ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं, और ये मल्टीपल या सम मल्टीपल होते हैं उस यूनिट के और उसके प्रीफिक्सेस के। फॉर एग्जांपल, आपके पास किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। तो आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करता है कि प्रीफिक्सेस क्या हैं, ठीक है, तो आप उनकी ये डेफिनेशन के साथ उनकी ये चार एग्जांपल या कोई से भी दो तीन जो है वो साथ में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये आपके पास एक टेबल जो है वो गिवन है प्रीफिक्सेस के वाले से। आपने इसको याद करना है अच्छे तरीके से, एमसीक्यूज के वाले से भी यहाँ से आ जाते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि वो किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है दो या चार जो है वो प्रीफिक्सेस पूछ ले आपसे। तो आपने इसकी जो तरतीब है वो इस तरह से रखनी है, यानी यहाँ पे प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, आगे उनके सिंबल और आगे उनके मल्टीप्लायर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक तरीका जो है आसान तरीका इसको याद करने का, वो आपके पास ये है कि आपने इनकी तरतीब जो है वो इसी तरह से प्रीफिक्सेस जो है वो इस तरह से याद करनी है जिस तरह गिवन है, यानी एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, इसी तरह से और एटो, एंड तक फेमटो एटो। तो आपने इनको इसी तरतीब से याद करना है, ये आपके लिए इस तरह आसान हो जाएगा क्योंकि आगे जो इनके मल्टीप्लायर दिए गए हैं वो 10^18 है, प्लस का 18, ठीक है। तो जब वो 10^18 प्लस का, उसके बाद कम होता है 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1 और इस तरह से फिर माइनस में चला जाएगा, -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 एंड -18। तो अगर आप इन प्रीफिक्सेस को इसी तरतीब से याद करेंगे तो फिर यहाँ से जो है वो आपको पिक करना आसान हो जाएगा कि जो एक्सा है उसकी पावर जो है वो 10^18 है, तो फिर आप 15, 12 इसी सीक्वेंस के साथ आप माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका बताया मैंने आपको प्रीफिक्सेस का, टेबल जो है उसको कैसे याद करना है और अच्छे तरीके से याद करना है एमसीक्यूज के हवाले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जी, ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से कुछ चीजें मैं बता दूं। सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही लार्ज हैं और कुछ जो है वो बहुत ही स्मॉल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 2,50,000 meter 0.002 watt एंड 0.000002 gram, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने हैं, कुछ पॉइंट्स में है, कुछ है, जो है उसके फिगर बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, एसआई यूनिट्स हैव द एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। तो अब एसआई यूनिट्स जो हैं उनका एक ये फायदा है कि जो इस तरह की क्वांटिटीज हैं उनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल जो हैं उनको जाहिर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस की सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके पास एक एग्जांपल है, सुनिए जरा ध्यान से, बात क्लियर हो जाएगी यहां पे प्रीफिक्सेस के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं। डिवाइड 20,000 gram बाय 1,000 टू एक्सप्रेस इट इन टू किलोग्राम, सिंस किलो रिप्रेजेंट 10^3 आर 1,000। हमारे पास 20,000 gram है, हम इसको लेके जाते हैं किलोग्राम में, तो बता रहा है कि क्या तरीका है। किलो हमारे पास प्रीफिक्स है जो हमने लगाना है, तो कैसे 20,000 gram को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे? तो क्या करते हैं हम उसको 1,000 पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1,000 ग्राम, ठीक है।
तो जब आपके पास ग्राम में दिया गया है उसको हम बड़े यूनिट में लेके जाते हैं तो हम उसका जो अपना यूनिट होता है इकाई होता है मींस के 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम उसमें हम डिवाइड करते हैं। तो आप लिखेंगे 20,000 ग्राम इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 1000। जब आप 20,000 को 1000 पे डिवाइड कर देते हैं तो फिर साथ में ग्राम नहीं किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसको कैंसिल करेंगे 20 किलोग्राम लिखा जाएगा। इसी तरह से आपके पास 20,000 ग्राम इज इक्वल टू 20, मैंने क्या किया इसमें 20 ऐसे ही लिखा रहने दिया, जो 1000 है उसको अलग कर दिया और 1000 जो है किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 10^3 ग्राम कि हमारे पास जो 1000 है उसको हम 10^3 भी लिख सकते हैं। तो आप अगर यहां पे 20 मल्टीप्लाई पे 1000 की जगह पे 10^3 लिख देते हैं, बट अभी तक आप साथ में इसके ग्राम ही लिखेंगे क्योंकि आप इसको 10^3 विच इज इक्वल टू 1000 उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10^3 ग्राम इज इक्वल टू, अब 10^3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, किलोग्राम के। जब आप 10^3 हटाएंगे तो फिर इसकी जगह पे किलो लिखा जाएगा, तो 20 किलोग्राम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी, ये हमारे पास एक टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय साइंटिफिक नोटेशन, क्या मतलब है साइंटिफिक नोटेशन का, साथ में एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स और साथ में इसकी कुछ एग्जांपल भी। तो एक्सप्लेनेशन भी है, अगर शॉर्ट के वाले से बात करें तो आप इसकी डेफिनेशन और साथ में एक दो एग्जांपल जो है वो ऐड कर देते हैं या कोई एक आध एग्जांपल जो है वो भी लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन है क्या। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम किसी भी नंबर को जाहिर करते हैं 10^ पावर के हिसाब से और वो नंबर जो है वो 1 एंड 10 के बीच किसी दूसरे डिजिट से भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। ये बात जरा गौर से सुनिएगा कि एक सादा और जो साइंटिफिक तरीका कार है कि किसी भी लार्ज या स्मॉल नंबर को जाहिर करने का इन सम पावर ऑफ 10, कि हम उसको 10^ पावर के हिसाब से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आइएगा जरा, ये आपके पास बात कर रहा है मून इज 38 crore and 40 lakh मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। चांद जो है वो हमारी जमीन से 38 crore and 40 lakh मीटर दूर है। अब देखें ये एक बड़ा फिगर है, इसमें काफी जीरो जो है लगते हैं तकरीबन, तो ये ज्यादा इजी होगा कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 3.8 × 10^8 मीटर। अब हम नॉर्मली जानते हैं कि पॉइंट जो है इस कंडीशन में हमारे पास वो लास्ट वाला जो जीरो है उसके बाद आता है जो कि लिखा नहीं जाता। हम वहां से इसको मूव करते हैं और एक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है कि पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट को 3.8 के अगर बीच में हम लेके आए तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड होगा। तो मैं पॉइंट को यहां से लेके जाता हूं 3.8 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं 8 डिजिट लेफ्ट साइड पे उसको मूव करवाता हूं पॉइंट को। तो जितने डिजिट आप मूव करेंगे उतना 10^ पावर लिखा जाएगा। तो फिर आपके पास 38 crore 40 lakh meter जो है उसको आप लिखते हैं 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10^8, क्योंकि हम 8 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं पॉइंट को। अच्छा, दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे आप, और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक जो है तरीका जो स्टैंडर्ड होता है
वो ये है कि पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, तो इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल है इस वाले से, ये एक और नंबर देखिएगा 62750 कैन बी एक्सप्रेस एज 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। देखो हमारे पास जीरो के बाद है पॉइंट, वहां से हम तीन डिजिट लेके जाते हैं लेफ्ट साइड पे, जो कि 62.75 लिखा जाएगा। तीन डिजिट हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो पावर जो है वो 10 रेज की पावर 3 लिखी जाएगी। इसी तरह से एक और तरीका है कि पॉइंट को हम फोर डिजिट लेके जाते हैं इधर। अब अगर मैं फोर डिजिट इधर लिखता हूं 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 4। इसी तरह से एक और तरीका भी है 0.6275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 5। मैंने क्या किया कि यहां से पॉइंट को मूव किया और 6 से पहले जाके लिखा, 0 मैंने खुद से लगा दिया अपने पास से 0.62750। तो इस केस के अंदर मैंने 5 डिजिट पॉइंट को मूव करवाया तो पावर जो है 10 रेज की पावर 5 लिखा जाएगा। अब बात सुने जरा, आपके पास ये तीनों जो है आंसर ठीक है, ये तीनों साइंटिफिक नोटेशन है, बट इनमें सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल होगा वो ये होगा 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 4। क्यों? इसकी रीजन ये है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये रूल है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है कि पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, और ये आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं यहां पे, ऑल दीज आर करेक्ट बट द नंबर दैट हैज वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, ठीक है, वो इज प्रेफरेबल। 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 4 प्रेफरेबली बी टेकन एज द साइंटिफिक नोटेशन। तो आपके पास वो डिजिट जिसमें पॉइंट से पहले, वो नंबर जिसमें पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, वो प्रेफरेबल है और उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा यहां पे हमारे पास, सिमिलरली द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00045 सेकंड इज 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -4 सेकंड। अब बात सुनिएगा, इस केस के अंदर ऑलरेडी पॉइंट आपके पास मौजूद है, आप उसको राइट साइड पे मूव करवाते हैं, क्यों? अभी हम पढ़ के आए हैं, हमने कहा कि पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, तो अगर यहां पे जो जीरो है वो जस्ट प्लेस होल्डर है, ठीक है, हम पॉइंट को अब राइट साइड पे लेके जा रहे हैं और 4.5 के बीच में लेके जाते हैं, तो कितने डिजिट, 1 2 3 4, मैं 4 डिजिट पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाता हूं, तो आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 4 लिखा जाएगा। बट एट दिस टाइम ये जो आपके पास आप 4 लिख रहे हैं ये माइनस का होगा, अगर आप पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं उतने डिजिट पावर जो है वो माइनस की लिखी जाएगी, और अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो फिर उतने डिजिट जो है वो पावर वो प्लस की लिखी जाएगी। तो आज का आपका लेक्चर जो है वो यहां तक ही वाइंड अप होता है। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।